Next is, we have to solve question when we cannot apply Cauchy method or Legendre linear method. So, usme Cauchy mein hamare paas factor aa raha tha x d x square d square x cube d cube and so on. Aur Legendre's mein hamare paas aaya ek linear factorial is of the type a plus bx, saath mein d agar square power hai to d square and so on. But agar hamare paas isse ilawa kuch ho raha hai, then hum kaise solve karenge question ko, wo method humne discuss kar liya. So now you check this equation, x cube minus 4x d cube plus 9x square minus 12d square plus 18xd plus 6 और किसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो. सो इस इक्वेशन में ना कोई Cauchy फॉर्म बन रही है ना Legendre फॉर्म, और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. सो वी डिस्कस दिस. सॉल्यूशन इज, वी सॉल्व दिस इक्वेशन विद फैक्टर माइनस d, माइनस साइन d मतलब डेरिवेटिव. तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन के कॉफिशियंट लिख रहे हैं. कॉन्स्टेंट इज 6, d का कॉफिशियंट 18x, d स्क्वायर का 9x स्क्वायर माइनस 12, और d क्यूब का हमारा कॉफिशियंट क्या है, x क्यूब माइनस 4x. और अगर कोई कॉफिशियंट बीच में मिसिंग होगा तो हम उसको जीरो से इंट्रोड्यूस करेंगे. मतलब अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो मैं उसमें जीरो इंट्रोड्यूस कर दूंगी, उसकी हमने जो जगह है वो खाली नहीं छोड़ी. डी क्यूब डी स्क्वायर डी एंड कॉन्स्टेंट. नाउ सॉल्व कैसे करना है, दिस टर्म एज इट इज. नाउ डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव 4, पर माइनस डी का मतलब इसका डेरिवेटिव का साइन माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. माइनस डी से हमने इसको सॉल्व किया. नाउ 9x के माइनस 3x के लिए 6x के माइनस 12 प्लस 4 इज माइनस 8, दोबारा फिर इसको माइनस डी से सॉल्व करते हैं. 6x के का डेरिवेटिव 12x विद नेगेटिव साइन, और माइनस 8 का डेरिवेटिव 0, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद माइनस 12x. नाउ 18x माइनस 12x इज 6x. नाउ फिर इसको माइनस डी से ऑपरेट करते हैं, 6x का डेरिवेटिव 6 और माइनस डी का मतलब माइनस 6, सो दिस 6 माइनस 6 इज 0. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ दिस इज अवर रिमाइंडर, सो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 0. दिस मीन जो गिवन इक्वेशन थी जिसको हमने नंबर 1 दिया है इसका रिमाइंडर 0 है, दिस मीन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन देखो क्या है, हम अभी राइट हैंड साइड में डिस्कस कर रहे हैं, 6x के साथ क्या आएगा वाई, सेकेंड टर्म के साथ क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स. तो हम पीछे से चलते हैं, पहले वाई, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकेंड डेरिवेटिव, जितनी हमारी टर्म्स हैं. और राइट हैंड साइड पे क्या करें, मेरे पास यहाँ पे क्या था, जीरो. राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. तो हमारी इंटीग्रेशन क्या आ गया, हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको स्टेप को दोबारा रिपीट करते हैं. 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब माइनस 4x किससे सॉल्व करेंगे, माइनस डी से. फर्स्ट टर्म एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, माइनस साइन से करना है डेरिवेटिव, तो नेगेटिव साइन ध्यान रखेंगे हम. सो दिस बिकम 3x स्क्वायर माइनस 4. नाउ अगेन वी ऑपरेट विद माइनस डी, दिस इज माइनस 6x 0, सो अगेन वी हैव रिमाइंडर 0. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की बात करेंगे, दिस सेकंड इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज. तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, यहां से देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 के साथ y, x की माइनस 4x के साथ dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर रही है, c1 के साथ क्या आ जाएगा x प्लस c2 अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग राइट हैंड साइड. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज हमने इसको ही देखना है. 1 के जब 1 को सॉल्व किया तो 2 इक्वेशन बनी, 2 की सॉल्व किया 3 बनी, अब 3 के लिए सॉल्व करना है, अगेन वी अप्लाई माइनस, सो 3x स्क्वायर माइनस 4 x क्यूब माइनस 4x, दिस टर्म एज इट इज इसको ऑपरेट किया माइनस डी से, अगेन वी हैव रिमाइंडर इज 0, दिस मींस रिमाइंडर इज 0,
equation 3 is exact. This equation is exact and its solution is. Right hand side की integration करोगे तो क्या आ जाएगा x square by 2, यहाँ पे आ जाएगा x plus another constant of integration c3. और left hand side पे मेरे पास है क्या बचा है x square minus 4x और साथ में क्या आएगा y, उसके बाद कोई टर्म. So this is our required solution. So when we cannot apply Cauchy or Legendre, we solve with minus t. And what we require, remainder is equal to 0 and solution जो equation का कैसे आएगा, अगर equation exact बनती तो हम इसको solution ऐसे. Another question, we have question is of this kind, इसमें right hand side पे भी function है sin of x. Now we operate with minus t. First coefficient 1, second coefficient 4x, third coefficient minus 2 sin x and last is minus 4x. Now first term as it is, operate cos x with minus 2. So इसका derivative 1 का derivative 0, cos x और 0 को हमने solve किया cos x ही आ गया. इसको cos x को operate किया minus t से क्या आ जाएगा, cos का derivative minus sin x, पर minus t करना है तो वो positive बन गया, only sin x है. minus 2 plus 1 is minus 1 sin x. अब इसको minus t से operate किया, so we have this is 0. So again we have remainder is equal to 0. This means equation is exact. कौन सी equation exact है, equation number 1. So solution क्या है, this with y, second term is first order derivative and one with the second order derivative. और right hand side पे क्या करेंगे, integration. So this is equal to equation exact है, equation number 1 exact है, remainder 0 है, so equation नहीं आ रही. और right hand side पे integration की sin 2x integration, integration करनी है तो क्या आएगा minus cos 2x और upon क्या आएगा 2 plus c1 first constant of integration. Now this is equation number 2 and we have to solve for this equation. So next, minus sin x cos x or its coefficient we have 1, we operate this equation with minus d. First term as it is, derivative of this is 0. Solving we get cos x or 0 ko, cos x ka gaya. Now cos x ka minus d se operate kiya, kya aya minus sin x, aur ek aur minus sin ko kya aya minus sin x. So we have again remainder is equal to 0. So remainder is 0, equation is exact. Now equation number 2 is exact. Equation 2 ke liye solve kiya jaye. So its solution is, right hand side ki hum kya karenge, integration. हमारे पास क्या है, minus 1 by 2 cos 2x. So इसकी integration करने के लिए आ गया minus 1 by 4 sin 2x. C1 की integration C1x plus another constant of integration C. Next is, this term cos के साथ क्या आएगा y, और 1 के साथ क्या आएगा dy by dx. हम पीछे से इसको solve करना शुरू करते हैं, y dy by dx, d square y by dx. Now this is our equation number 3. So this is a linear equation. अब इसको हम कैसे solve कर रहे हैं, ये हमारी linear equation बन गई जो हमने पहले discuss की हुई है, is of the form dy by dx plus py is equal to 2. So हमारा dy by dx का coefficient 1 है, y का coefficient जो है capital P, और right hand side पे हमारे पास क्या होता है, is equal to q. So हमारे इसमें p कितना है equation के साथ cos x, और q कितना है is old. So इसके लिए हम integration factor find करते हैं, e raised to power integral p dx, p हमारा cos x की integration sin x होगी. So मेरे पास integration factor क्या आ गया, e raised to power sin x. Its solution is, y into integration factor is equal to q into integration factor dx plus constant of integration. वो हम देख लेंगे हमारा constant of integration कितना आएगा, c3 आ जाएगा. Now y integration factor is e raised to power sin x. What is q? This complete term, पूरी term को लिख लेंगे, और साथ में आएगा integration factor dx plus c3. This term as it is, this term as it is, because ये हमारा पहले सॉल्व है, हमने right hand side को सॉल्व करना है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Minus 1 by 4 बाहर ले लिया, दोनों टर्म्स के साथ e d sin x मल्टीप्लाई किया, ये sin 2x आ गया. जो पीछे टर्म है c1x plus c2 के साथ भी e raised to power sin x आ गया, ds plus c3. अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
करके साइन ऑफ एक्स को हम चेंज कर सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो हम इसको चेंज करते हैं। अब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स है, तो अगर हम साइन एक्स को पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ई की पावर टी, क्योंकि साइन एक्स को पुट किए टी आ जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स डी एक्स, वो मेरा डी टी बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या रह जाएगा, टू ई दी पावर टी और टी, जिसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर सकती हूँ। जो ये टर्म है हमारी सी वन एक्स प्लस सी टू, ये एज इट इज ही हमारी रह जाएगी, प्लस सी थ्री भी एज इट इज। सो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन बाई टू ई दी पावर साइन एक्स, साइन एक्स माइनस वन, दिस टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस सी। So this is the required exception. So then we cannot apply Cauchy Euler-Lejeune, we solve with minus b. और अगर हमारा सोल्यूशन रिमाइंडर जीरो की फॉर्म में आ रहा है तो हम उसी हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, एंड तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो एग्जैक्ट इक्वेशन आ रही थी, और अगर नहीं कर सकते तो हम लीनियर की फॉर्म में बना के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व फॉर y, y को लिए हमने सॉल्व करना है, तो इक्वेशन हम लीनियर की इक्वेशन में बना के फॉर्म में बना के भी y के लिए सॉल्व कर सकते हैं।